हेलो फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट्स इन जीएसटीआर 1 फेज 2। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटीआर 1 फाइल करते समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो जीएसटीआर 1 पहले आ रहा था और जो अब ये लेकर के आए थे, तो इसमें कई चीजों में चेंज इन्होंने किया था, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि उसमें डिटेल में हमें नहीं पता चल पा रहा था, केवल इनवाइसेस की काउंटिंग्स पता चलती थी, कितने फाइल हुए कितने नहीं हुए, उनके टोटल वगैरह नहीं मिल पाते थे। उस तरह की कई चीजों को इन्होंने ठीक करने का प्रयास किया और उसी के संबंध में ये इसका फेज 2 लेकर के आए हैं, यानी इम्प्रूवमेंट्स इन जीएसटीआर 1 फेज 2। तो फेज 2 में कई चीजों में इन्होंने एनहेंसमेंट किया है, चेंज किया है और इजी बनाने का प्रयास किया है। जो प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करने का प्रयास किया, तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं इंप्रूवमेंट्स इन जीएसटीआर 1 फेज 2। तो इसमें ये क्या है, जीएसटीआर 1 और जो आईएफएफ है उन दोनों के लिए है। तो इंप्रूवमेंट्स इन समरी जनरेशन प्रोसेस, क्विकर रिस्पांस टाइम एंड एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस फॉर द टैक्सपेयर्स। तो जो समरी जनरेशन का प्रोसेस था उसको बहुत तेज करने के लिए और रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए कई चीजों को इन्होंने चेंज किया है, उसके संबंध में देखते हैं। इसको पूरा डिटेल में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। द नेक्स्ट फेज ऑफ द जीएसटीआर 1 / आईएफएफ इंप्रूवमेंट्स वुड बी इंप्लीमेंटेड शॉर्टली ऑन द जीएसटी पोर्टल। यानी अभी जीएसटी पोर्टल पर आया नहीं है, बहुत जल्द ये आने वाला है। डिटेल्स ऑफ विच आर डिस्कस्ड बिलो, जो नीचे दी हुई है उन पे आते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। अभी तक आप देखते थे कि पहले आप जीएसटीआर 1 को सेव करते थे, सेव करने के बाद सबमिट करते थे और सबमिट करने के बाद उसको फाइल करते थे। तो अब उन्होंने देखा है इसमें जो रिमूवल ऑफ सबमिट बटन है, यानी सबमिट बटन को वहां से रिमूव करने वाले हैं, उसकी अब आवश्यकता नहीं रही। अर्लियर देयर वाज अ टू स्टेप फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 / आईएफएफ। टैक्सपेयर फर्स्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड देन क्लिक ऑन द फाइल बटन। तो पहले सबमिट बटन में करते थे, उसके बाद फाइल करते थे, सबमिट करने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो ये जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है। इसके बाद जो हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो थी कंसोलिडेटेड समरी की, जो कि आती तो थी लेकिन उसको प्रीव्यू में डाउनलोड करके देखना होता था। अब इसमें बहुत अच्छा चेंज इन्होंने किया है, कंसोलिडेटेड समरी। टैक्सपेयर्स विल नाउ बी शोन अ टेबल वाइज कंसोलिडेटेड समरी बिफोर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 / IFF। दिस कंसोलिडेटेड समरी विल हैव ए डिटेल्ड एंड टेबल वाइज समरी। इसको कैसे देंगे, ये डिटेल और टेबल वाइज देंगे समरी ऑफ द रिकॉर्ड्स एडेड बाय द टैक्सपेयर। दिस विल प्रोवाइड ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स एडेड इन जीएसटीआर 1 / IFF बिफोर एक्चुअल फाइलिंग। तो एक्चुअल फाइलिंग से पहले आपको एक कंसोलिडेटेड समरी देंगे जो आप पहले से देख पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर ये और उसमें इनहेंस करने वाले हैं, जो है रिसिपिएंट वाइज समरी। अब इसमें जो आपको कंसोलिडेटेड समरी मिलेगी उसी में आपको रिसिपिएंट वाइज समरी भी मिल जाएगी। इसमें इन्होंने क्या बोला है, द कंसोलिडेटेड समरी पेज विल आल्सो प्रोवाइड रिसिपिएंट वाइज समरी कंटेनिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाइज, द टोटल टैक्स इन्वॉल्व इन सच सप्लाइज। This summary will be made available in all cases where the recipient count is up to 100। यानी कि ये जो आपको consolidated summary मिलेगी उसी में आपको recipient wise summary भी मिल जाएगी, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनके recipient summary का more than 100, मतलब view for more than 100 recipients, 100 से ज्यादा की अगर recipients हैं तो आपको नहीं दिखेंगे वहां पे। स्क्रीन पे केवल 100 तक की ही क्षमता इन्होंने रखी है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। अगर वहां पे 1000, 2000, 5000 की इनवाइसेज हैं तो वो यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, एंड हैविंग टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स विल बी एड्रेस्ड इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ इंप्रूवमेंट्स। यानी जो नेक्स्ट वर्जन लेकर के आएंगे उसमें इसके बारे में विचार रखेंगे कि कैसे उसको किया जाए, क्योंकि ये टेक्निकली इसमें अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। This recipient wise summary will be made available with respect to the following table of GSTR 1 / IFF। तो एक चीज तो यहाँ पर ये हो गई कि आपको consolidated summary मिल जाएगी। consolidated summary के बाद यहीं पर आपको recipient wise summary भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक लॉक लगा हुआ है कि 100 recipient से ज्यादा का स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसलिए उसके लिए बाद में जो फेज में लेकर के आएंगे कि वो कैसे क्या होगा, लेकिन अभी अगर आपके 100 इनवाइसेज हैं तो आपको यहीं पर स्क्रीन में दिख जाएंगी, और इनका कहना है कि 90% लोग इसी में कवर होते हैं।
अब इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन में यहां पर आपको रिसीपिएंट वाइज समरी में क्या क्या दिखेगा, उसमें है टेबल नंबर 4A जिसमें बी टू बी सप्लाईज दिखेंगी, टेबल नंबर 4B में सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज होगा, टेबल नंबर 6B में ऐसी जेड सप्लाईज होंगी, और टेबल नंबर 6C में डीम्ड एक्सपोर्ट होगा, और टेबल नंबर 9B में क्रेडिट और डेबिट लॉस होंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपको जो चीजें दिखाई देंगी। इसके समरी पीडीएफ इस तरह से आपको दिखाई देगा जैसा कि पहले भी आपको प्रीव्यू में दिखता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डाउनलोड समरी पीडीएफ जो पहले दिखता था, यहाँ पर एक चीज और इन्होंने ऐड कर दी जो आप देख लीजिए, जो टोटल लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पर आपकी टोटल जो लायबिलिटी है वो आप देख रहे होंगे हल्के ग्रीन में, ये नीचे स्लाइड पट्टी पड़ी हुई इस पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये लायबिलिटी शो करना है कि आपकी क्या लायबिलिटी, और यही आपकी 3B में भी शो होगी। तो ये आपका था इसका स्टेटमेंट का। दूसरा आपको बता दें एड रिकॉर्ड्स वगैरह जैसा कि पहले आप देखते थे वो इस तरह का था कि इसमें आपको ये दिखते थे, ये आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या चेंज कर दिया वो देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये चेंज कर दिया, जहां पर आपका सबमिट बटन आता था, फाइल बटन आता था और जनरेट समरी यहाँ पर नहीं आता था, तो एक आप देख रहे होंगे ब्लॉक में दिया हुआ रेड कलर के ब्लॉक में जनरेट समरी का बटन अब आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एक चेंज ये है, जनरेट समरी आप यहाँ पे कर पाएंगे, इसके बाद ये चीजें आपको ऐसे दिखेंगी। और ये जो आपका था प्रोसेस टू फाइल समरी, ये रेड कलर का जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इसमें प्रोसेस टू फाइल समरी, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो आपकी समरी जो है वो जनरेट हो जाएगी और जनरेट होकर के इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह से जनरेट होकर के आएगी, और इसमें जनरेट के बाद यहाँ पे रिसीपिएंट वाइज जो कि आप रिसीपिएंट वाइज है वो यहाँ पर ये देखिए रिसीपिएंट वाइज जो दिया हुआ है ये है, यहाँ पर आपको आके रिसीपिएंट वाइज समरी दिख जाएगी। जैसे कि अभी तक टोटल और वैल्यू अमाउंट दिखती थी, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको डिटेल में ओपन हो जाएगा और आपको रिसीपिएंट वाइज समरी भी दिखाई देगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें कि इन्होंने ये कोशिश की है कि आपको रिसीपिएंट वाइज समरी दिख जाए यहाँ पर, तो ये आपको दिखने लगेगी। इसके अलावा जब हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखिएगा कि ये फाइल स्टेटमेंट है, आप देखिए वहां पर क्या सबमिट बटन को उन्होंने खत्म कर दिया, सबमिट बटन करने के बाद सीधे सीधे फाइल स्टेटमेंट में आ गए, तो आपको वो डिटेल्स चेक कर लेनी है, उसके बाद डिटेल चेक करने के बाद सीधे सीधे आपको फाइल स्टेटमेंट में आना है, और फाइल स्टेटमेंट में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ जैसा कि आप क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन है फाइल विद डीएससी और फाइल विद ईवीसी, तो यहाँ पर आप चाहे फाइल डीएससी से कर लीजिए चाहे फाइल विद ईवीसी से कर लीजिए, सीधे आपके पास फाइल ईवीसी से करेंगे तो ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आपका ये फाइल हो जाएगा। तो ये एक GSTR1 में सबमिट बटन इन्होंने खत्म कर दिया, डिटेल जो हमें नहीं दिख रही थी वो दिखने लग गई है, और डिटेल साथ में रिसीपिएंट वाइज भी दिखने लगी। तो ये अभी बहुत जल्द आपके पोर्टल पे आने वाला है, ये इन्होंने बताया है कि इस तरह से आएगा, अभी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है लेकिन अतिशीघ्र ये उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू।